लोगों के लिए सुना रहा हूं उनको कि ताकि आप लोगों के घर में भी बरकतें ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। जब तक आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करते, 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुएं को 100 बार खोद लो, पानी भी निकलेगा और आपकी बड़ी गवाही भी वहीं से निकलेगी। समझ आया कि नहीं? ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। बहुत सारे लोग जाते हैं इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी, मनाही नहीं है, लेकिन आपने समर्पित हैं तो परमेश्वर आज रात आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के साथ बेटी, गवर्नमेंट जॉब के साथ बेटी, हाँ जी, कड़ा है बेटी, चंडीगढ़ है जी, चंडीगढ़ है जी, आधी हरियाणा भी आधी पंजाब बने, तू क्या चक्कर है? मैं हरियाणा की बेटी हूँ, पंजाब में ब्याह रखी हूँ। हालेलुया, जो अनंत यीशु ने चाबे ना किसे तो खोया। हालेलुया, प्रभु जी, दोनों सगी बहने हैं, इन दोनों की बेटियों को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ कदे घू करके, कदे हाँ करके, कदे घू करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लम्मी पा करके, सारे तालियां। देखो भाई साहब, जो हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर लड़ाई नहीं कराता, दोनों बहनों के घर में दोनों बेटियों को गवर्नमेंट जॉब। जाओ, जो ताड़ियां बजा रहे हैं तुम भी ले लो आज। हालेलुया, सारे ताली। सुनो, अभी अभी लोग बोलते रहते हैं यार, बजिंदर ऐसे ही बोलता रहता है, प्रॉफिट ऐसे ही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझ में आ गया होगा, मेरा काम है बोलना और ऊपर पैकिंग कराना, आपका काम है रिसीव करना। yes. समझ रहे कि नहीं? ये छोटी बात नहीं है। हाँ, दोनों की हाँ बताएंगे, ये भी बताएगी। शाबाश, छोड़ दे भाई। सबना जामिसी की, पास्टर नोबी जामिसी की, मैं काल परसों की कर रही हूं, मैं कहा मैं पास्टर ने देखूं लैब मखाओ इतना अच्छा है, आज इसी मां ने जन्म दिया, उसने भी लैब में भी इतना सोना बोला, इतना सोना प्रचार करे भी, मैं उसके दोरा जाऊंगी। मेरे दो बेटा बेटी जिस दिन की इस चर्च के लिए जुड़ी, एक मेरा बेटा आर्मी में लग गया, एक मेरी बेटी गवर्नमेंट सेंटर की सरकार में लागी मैडम। यसु दिल्ली भी तो दिल्ली लागी है, दिल्ली लागी की सरकार में। जब तो इतना मीठा मीठा बोलेगी, फिर ऊपर वाला लाएगा क्यों नहीं? हालेलुया, लाएगा वो तो, कितना मीठा बोल रही है नहीं? और यहाँ हमारा लड्डू है, सिर्फ नाम का ही लड्डू है, सारे बोलो हालेलुया। आपको मीठा देखा आपने, कितना मीठा बोला इसने, करीब पास्टर की। मैं कह रहा हूँ कि तारीफ करने से इंसान जब चौड़ा हो जाता है, तो सुबह उठकर परमेश्वर की तारीफ किया करो, वो कितना चौड़ा होगा। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं, सारी महिमा उसको मिले यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखो दोनों बहनों को की बेटियों को गवर्नमेंट जॉब, इसकी दोनों बेटियां गवर्नमेंट जॉब में, दोनों, तेरी भी दो हैं? एक बेटी हमारा, दो ही बेटियां ने गवर्नमेंट जॉब मिली है। अच्छा, एक एक बेटी है थारा, दोनों ने जॉब मिल गई, ठीक है, ओके। मारवा भी थोड़ी दया कर लिए। अच्छा ठीक है, जाए जा जा, हाँ हाँ शाबाश, कोई नहीं, आंधे इन्हें तो, इन्हें तो बहुत तारीफ के पुल बांध दिया। हालेलुया, फोटो ले भाई, फोटो ले, फोटो ले इसका, ले भाई चाह पूरा कर ले तू आज। सारे लोग फोटो तराओ उसका, के ले सारे, मैं देखूं, मैं भी कदे परमेश्वर उसका दौरा ले जाएगा। तो तेरा मोबाइल कहां है? सेल्फी लेते ना। हाँ, गवाही देंगे, शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहा है कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, पर जब अपेंडिक्स फट गया पेट में इसके और प्रॉब्लम होगी, पर ये जब चर्च में आए विश्वास के साथ, इन्होंने स्पेशल प्रेयर कराई बीट होकर, और ये भाई बता रहे हैं कि इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, चेक हो चुकी है। मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। देखो आपके सामने भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ सेल्फी जरूर लेता है प्रॉफिट बचिंदर, क्योंकि बस आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। आप सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। नवंबर में मुझे अपेंडिक्स हो गया था और डॉक्टर रिपोर्ट में बताया कि अपेंडिक्स फट चुका है और रिस्क भी नहीं ले रहे थे, बहुत जगह डॉक्टर पास गए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आए, स्पेशल एंड प्रार्थना 27 नवंबर को हुआ और उसके बाद मेरा नॉर्मल रिपोर्ट के साथ मैं भी ले सकूँगा।
तारीफ करें जोर से। हाँ हाँ शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ हाँ प्रोफेट जी, ये माता बता रहे हैं आपने इनकी बेटी का नाम लेके प्रोफेसी किया था कि रुचि परमेश्वर तेरे पांच काम बनाने वाला है। हाँ। और उसकी बेटी न्यूजीलैंड में है। हाँ। उसे पीआर मिली, बिजनेस मिला और परमेश्वर ने घर की ब्लेसिंग दिया न्यूजीलैंड में। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच। क्या पांच कमाईयां फटाफट बता। न्यूजीलैंड में पीआर मिली। हाँ। घर की ब्लेसिंग मिली। हाँ हाँ। और बिजनेस मिला। बिजनेस मिला, हालेलुया। हाँ बताएं कि माता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी को भी जय मसीह की। मैं खरड़ से आई हूँ, मेरी बेटी न्यूजीलैंड में रहती है। पापा ने उसका नाम लेके प्रोफेसी की थी कि रुचि को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उसकी पांच वो आशीषे खोलने जा रहा है। तो परमेश्वर ने उसकी तीन आशीषे तो खोल दी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसको न्यूजीलैंड में मकान मिला है, पीआर मिली है, बिजनेस मिला है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो। सारे बोलो हालेलुया। गुड न्यूज के साथ देखो, जिसके पास पीआर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो मुझे देख रहे हैं, बी नाम वाले, आर एस के एफ जी, एन नाम वाले, एस नाम वाले, गुड न्यूज मिलेगा आपके बच्चों को पीआर की यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फेथ चौड़ा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं फेथ को बाहर निकालो। आमीन बोलकर आज आमीन पूरा हो जाए। आमीन। हाँ 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 हालेलुया। ब्रांच देंगे बॉम्बे ब्रांच, इधर करें बॉम्बे ब्रांच। हालेलुया। बॉम्बे ब्रांच वाले बैठे। शाबाश शाबाश। कैमरा दिखाओ बॉम्बे ब्रांच में, वही इधर देखो बॉम्बे ब्रांच। तुम्हारे मिलने वाले भी यहाँ खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी शाबाश शाबाश। हाँ जी गवाही के साथ खोलो माइक खोलो। हाँ शाबाश, फटाफट गवाहियों के साथ जल्दी जल्दी। प्रोफेसी का रिसीव किया कि बैंक के 5 करोड़ में डील हो चुके थाने में, मुंबई थाने में, मुंबई थाने में ना। यस यस पापा जी। हमारे यहाँ थाना पास में ही है। हाँ जी हाँ जी शाबाश। प्रभु आप सबको आशीष दे। गवर्नमेंट जॉब के साथ उधर भी आशीष मिली है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, डील हुई उनकी 5 करोड़ की। डील हुई 5 करोड़ की। चेहरा तो दिखा, थोड़ा कैमरा जूम करना उस पे। ओए थोड़ा कैमरा जूम कर उस पे। 5 करोड़ की जूम। तू क्या 5 करोड़ वाले आदमी को तो दिखा, मैंने क्या करना इसका कागज का। हाँ माइक देश को। शाबाश शाबाश, आपका 5 करोड़ का डील हुआ है। जय मसीह की। बहुत बड़ी डील हो गई है। आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, यीशु नाम विच पंगेड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच। हालेलुया। ऐसे नहीं भाई साहब, प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में लोग अमीर हो जाते आके। ये फेथ आपने बाहर निकाला है, परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम फेथ बांटने के लिए आए हैं, आपको विश्वास करना है। आपको पता है मेरे कितने गए थे, थोड़ा ध्यान रखना। साडा भी ख्याल रखियो। मैं क्या साडा लेंटर का भी ख्याल रखियो भाजी। जी हाँ। और सुनो, फिर अगर ध्यान रखेगा 50 करोड़ रुपए का बजट एक और आपका पास होने वाला यीशु मसीह का। रिसीव कर ले, तेरे लिए ये और किसी के लिए। ये ले थूक लगा के स्टैंप लगा रहा हूँ, ये भविष्यवाणी झूठी नहीं होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 जी हाँ जी। नेक्स्ट गवाही के साथ फटाफट जल्दी। 25 साल से नशा, गुटखे का नशा करती थी। ये बहन का लड़का 3 साल से दारू का नशा करता था। ये बहन के बेटी को 1 महीने से ब्लीडिंग होता था। जैसे ही चर्च में आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, अब सब अपने प्रॉब्लम से एक्सेल हो चुके हैं। हालेलुया। ये क्या लेडीज भी गुटखा खाती थी, पान खाते थे? हाँ, इसका मतलब आप बॉम्बे में रहते हैं ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी है, पान खा के बनारस वाला। जब से खा रहे हो पान,
अभी इसी समय जो नशे करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ से लोग आजाद होते हैं। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर पूरी ब्रांच को दिखाऊं, पूरी ब्रांच को कैमरामैन, और इसी समय इनके हाथों पर मैं उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। इसी समय सच में पवित्र आत्मा जी, सुबह भी ब्रांच लगती है बॉम्बे में और शाम को भी दूसरी जगह लगती है ये थाने में, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर डबल मसाओ तरह यीशु मसीह के नाम में, इनके फाइनेंस खुले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। देखो कॉइन मीटिंग किया और 5 करोड़ की डील हो गया, तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। मैं बता रही कि इनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनको, ये बहुत जगह इलाज इन्होंने करवाया, लेकिन विश्वास के साथ जब ये चर्च में गए या चर्च में आए चंडीगढ़ में, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ टेस्ट किया। मैं जिसको सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको सुनूंगा। शाबाश शाबाश, देखो मेरा ही कल है ये परमेश्वर का बहुत बड़ा। हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे, शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी हम झारखंड से आए हैं, 2021 में मेरे वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि दवा जिंदगी भर चलेगा और ये कभी ठीक नहीं होगा। तो मैंने मोबाइल में देखी थी, तो उसी के एड्रेस पूछ के मैं यहाँ आया। मेरे भाई में झारखंड से। अच्छा झारखंड से, फिर कैसे ठीक हुए बताएंगे शायद, पूरी बात बताओ। मेरे वाइफ का भतीजी है, वो मोबाइल में यूट्यूब में देख रही थी, तो बोला कि फुआ तुम इसी को देखते रहो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं बोला कि मैं जाऊंगा पापा जी के पास। मैं यहाँ आया, खोजते खोजते मैं चंडीगढ़ चर्च में पहुँचा। वहाँ पर पहले तो मैं बीज बोया स्पेशल, उसके बाद ले हैंड प्रेयर करवाया, फिर दोबारा आया तो फिर हम फ्री में वाला भी करवाया, फ्री में भी करवाए थे हम ले हैंड प्रेयर। अभी बिल्कुल चंगी है आपकी वाइफ, एकदम चंगी है पापा जी, ये रिपोर्ट रहा, अभी रिपोर्ट है नॉर्मल है एकदम। ये देखो बता रहे हैं कि इनकी नॉर्मल है, झारखंड से आया है, इसकी वाइफ को कैंसर बताया डॉक्टर ने, और करे कि इसकी बहन ने किसी ब्लड कैंसर बताया, और जब ये ब्लड कैंसर था और यहाँ पर पूछता है यूट्यूब पर देख रहा था, और यहाँ पर विश्वास के साथ आया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, और ये बहन देखो रो रही है आपके सामने, इसके आंसू आपके सामने, सारे बोले हालेलुया, पूरा चंगा हो गए पापा जी। रो रही है और बता रही है कि जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया आज बिल्कुल कैंसर की बीमारी खत्म हो गई है, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होगी, नॉर्मल। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी हाँ जी शाबाश, जाएं जाएं शाबाश, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हालेलुया। बस टाइम नहीं बेटे, प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी टाइम से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, और 4 साल थे, इनके पास कोई बेबी नहीं था। आपने ले हैंड प्रेयर करवाया आपसे, और यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, और आपने प्रोफेसी किया था जो सेवा करते हैं प्रभु प्रतिफल देगा। जिस दिन से ये भाई सेवा करने लगा, 4 साल के बाद बेटा हुआ, और उसके बाद ही इटली का वीजा आ गया। कुत्ता जो अनंत यीशु ने चाबे ना किसे तो खोया। बोलो यीशु मसीह की। देखो आप हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं? हाँ फटाफट फटाफट बताएंगे शाबाश। पापा जी को जय मसीह दी, सारी कलीसिया को जय मसीह दी। पापा जी 4 साल से हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं था। आपने 13 मार्च को आपने मेरी पत्नी को आगे बुला के प्रोफेसी की कि परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने जा रहा है। तो पापा जी 21 फरवरी को परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। और पापा जी मेरी दूसरी मेरी ये है कि मैं काफ़ी समय से फ़ौरन के लिए ट्राई कर रहा था, मगर मेरे पास पैसों की कमी की वजह से फ़ौरन का वीज़ा नहीं आ रहा था। और जब हमारी वो शोभा यात्रा थी, और पापा जी आपने 22 सेक्टर में जो स्टे लगी थी, आपने बोला था कि 2 मिनट के लिए जो भी कुछ मांगना है आप मांग लो, और पापा जी मैंने बोला था कि परमेश्वर मुझे इटली के वीजे के साथ ब्लेस करे। पापा जी 27 तारीख को परमेश्वर ने मुझे इटली के साथ वीजे के साथ ब्लेस किया है। जी कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो,
यसु नाम विच भंगड़े भी पाया करो, यसु नाम विच भंगड़े भी पाया करो। बोलो यीशु मसीह की। देखो आपके सामने की इटली का वीजा आया, वो भाई बता रहे कि यहाँ पर सेवा कर रहा था। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सच्चे दिल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तू सेवा कर रहा था, बॉन्सर बना हुआ था, पैसे भी लेता था हमारे से? नहीं पापा जी, फ्री वाला था। हाँ जी पापा, ठीक है। सारे बोलो हालेलुया, सुन ले हम भी पैसे वाले। सारे बोलो, अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। आज जो सेवा में मन देते हैं, देखो आपके सामने है कि वीजा भी आया, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं जिन्होंने प्रभु की भक्ति की है, हाथ उठाएं आज। मैं इसी समय उनके लिए घोषणा करता हूँ, ये साल उनके लिए वीजे का आशीषों का साल हो, यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। और जब ये चर्च में आए आपने प्रोफेसी किया, परमेश्वर आपको बेटे से ब्लेस्ट करने जा रहा है, और ये बता रहे हैं किसी को 18 साल से, किसी को 11 साल, किसी को 6 साल से, किसी को 3 साल से बच्चे की आशीष नहीं थी, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बेटे के साथ आए। हालेलुया। कदे हाँ करके सारे तालियां बजाओ, लंबी पा करके सारे तालियां। सुनो आपके सामने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैं कह रहा हूँ लाइन लगी हुई है कि लोग बेटे के साथ आए आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूँ जो बहनें ऑनलाइन देख रही हैं, जो वहाँ पर बैठी हैं चर्च के अंदर, जिनके पास बेटा नहीं, अपने सिर पर हाथ रखो। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, पवित्र आत्मा जी इसी समय एंजल जाएं और इसी समय इनके गर्भ में आशीष दें बेटे की, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिनका विश्वास आज फेंत बाहर आए, पवित्र आत्मा उसके घर में मिराई करो, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज आपके सामने देखो कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितने सारे लोगों को बेटे की आशीष मिली। हाँ हाँ, कितने साल से बेटा नहीं था? 4 साल। हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ कितने साल से? 3-4 साल से। कहाँ से आए आप? यूपी से। एक लड़की उधर जाके माइक लेके, और इसी समय यूपी से। जी सर। कितने साल से? 18 साल। 18 साल से। कैसे मिली आशीष? सर ऑनलाइन चर्च देखते थे और ऑयल वाटर लिया यहाँ से। जी सर। और अभी गुड न्यूज है। जी सर। अभी मेरा इकल हो गया कि नहीं? तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, 18 साल थोड़े नहीं होते हैं। हाँ कितने? 11 साल। हाँ हाँ, देखो आगे देखो नेक्स्ट। हाँ हाँ, 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, बेबी ब्लेसिंग मिली है, प्लस 1 करोड़ का मेरा जो डील हुआ है, 1 करोड़ रुपए का डील भी हुआ है। अरे वाह। देखू करके कदे हाँ करके सारे तालियां बजाओ, लंबी पा। एक बात और सुनना ध्यान से, जब किसी के घर में बच्चा आता ना तो आशीष भी साथ आती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे पास तो 4 बच्चे हैं, 5वां नहीं चाहिए, 3 बच्चे हैं, 4था नहीं चाहिए, 2 बच्चे हैं, 3रा नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रकों पे लिखा होता है 2 बच्चे 2 पति पत्नी 2 ही अच्छे। नहीं, क्या लिखा होता है बताएगा कोई? क्या लिखा ट्रक पे? हाँ माइक बोल। बच्चे 2 ही अच्छे। आपके पास कितने? 1। अब 2 होंगे तेरे पास। हालेलुया, लिख ले डायरी में, लिख ले। लेकिन अब ट्रकों पे ये लिखा होना चाहिए बच्चे 3 ही अच्छे। सारे बोलो हालेलुया, विश्वास करो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। 2 साल से मेरे पास बच्चा नहीं था, मैं ऑनलाइन चर्च देख रही। 2 साल से आपके बच्चा? आपके बच्चे 3 साल से। 3 साल से। कहाँ से आए आप? रोहिणी, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ हाँ, चलते चले जाओ। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से आप सुन रहे हैं यहाँ पर, 18 साल, 16 साल, 3 साल, 4 साल, आप सुन रहे हैं 6 साल, लोगों के पास बच्चे नहीं थे, आज लाइन लगी हुई है। परमेश्वर इन सबको आशीर्वाद दे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दिता जो अनंत यीशु ने, चावे ना किसे तो खोया। बोलो बोलो। दिता जो अनंत, दिता जो अनंत यीशु ने, चावे ना किसे तो खोया। हालेलुया। हां जी हां जी हां जी, गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये, मैंने अपने ब्रदर की गवाही दे रही है। बता रही है 8 महीने पहले इनको HIV हो गया था, जिसके कारण टोटली ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनको। विश्वास के साथ इनको चर्च में लेकर आए, यहाँ से इन्वेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया। बता रहे वो HIV रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है। मैं जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। हा हा हा, देखो आपके सामने
उसकी हालत देखो आप, कितने लोग देख रहे हैं। ये गवाही आपके कान खोल सकती है, रिश्तेदारों के भी। आपके सामने देखो उसकी शक्ल देख लो, HIV से बिल्कुल पीड़ित था, डॉक्टर जवाब दे चुका था, और ये बता रहे हैं। हाँ बताएंगे बहन अपने मुंह से। हाँ शाबाश। जैमसी की पापा नू, सारी कलीसिया नू, जैमसी की। हाँ बोलो बेटे। ये मेरे ब्रदर है। हेलो। हाँ जैमसी की पापा नू, सारी कलीसिया नू, जैमसी की। मैं पानीपत से हूँ और ये मेरे ब्रदर हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। इनको 8 महीने पहले HIV इन्फेक्टेड बता दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनका दोबारा से टेस्ट करवाया और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। प्रार्थना कराई थी आपने? यस, मैंने प्रेयर टावर से प्रेयर कराई। कोई एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया आपने? यस पापा जी, मैंने वाटर और ऑयल लगाया इनको। आज गवाही के साथ हैं, आपके सामने खड़ा है, HIV भाग गई है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ हाँ शामाज गवाहियों के साथ इसी समय हम सुन रहे हैं गवाहियों को। हाँ हाँ बोल दे दर से। हाँ बोलो फटाफट। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है 3 साल से यूट्रस में रसौली हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन के बिना चंगी नहीं हो सकती। मगर जब इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, यहाँ पर विजिट करके गए, आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आए। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई अंधेरे आधी रात। यीशु मसीह की। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? कैथल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। कैथल, ये तो हमारे हरियाणा इलाके का भाई साहब। हाँ बताएंगे, शाबाश। क्या प्रॉब्लम थी? सभी को जय मसीह। मेरी वाइफ को 3 साल से यूट्रस में रसौली थी और वो निकल नहीं रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि चंडीगढ़ चर्च में जाओ। हाँ। और वहाँ पर हम लगातार 3 संडे आए। उसके बाद हमने MRI कराया उसका और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की आशीष है। देखो बता रहे करे के रसौलियाँ थी और ब्लेसिंग मिली, जैसे एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, चर्च के अंदर आए। ये परमेश्वर है। जो मुझे सुन रहे हैं, जिसको कोई रसोली है, पथरी है, इसी समय बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, ये आपके सामने है, पवित्र आत्मा सुनता है। लेकिन मैं खुशखबरी भी आपको देना चाहता हूँ। सेलिब्रेशन, बेटा चाहिए आपको? मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में बेटा मिलेगा। बेटा, जोर से तारीफ करो। लिख ले, रिकॉर्ड कर ले, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपके साथ होने वाला है। हाँ हाँ, शाबाश। देखो, बहुत सारे लोगों को TV का प्रॉब्लम था। इस लड़के ने 12th में टॉप किया है भाई, 12th में टॉप किया। इसने रिसीव किया 10वीं में, इसको भी 1st Division के मेरिट आई है। मेरिट बोल दूँ? मेरिट आई है, शाबाश। और इसी समय बोल रहा है स्पेशल लैंड प्रे कराया, इनके भी बच्चे के कह रहे के 1st Division से पास हुआ है। हालेलुया। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। ये आपकी मम्मी है? आजाद हो जा। हाँ हाँ, शाबाश। एविल अटैक्स थे, फिट्स पड़ते थे और इसके लिए भविष्यवाणी किया था। हाँ बताओ शाबाश। हाँ भाई, मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं UP गोरखपुर से हूँ। हाँ। मैंने एक मुझे 11 साल से यूरिन इन्फेक्शन था, जिसके लिए मैं बहुत इलाज करवाई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद 2021 से ही मुझे ब्रेन में झटके आते थे, फिर मेरे फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते थे। हाँ, दौरे पड़ते थे ब्रेन में। हाँ हाँ। जैसे हाथ पैर काम नहीं करता था। क्या, कैसे ठीक हुआ? तो मेरी बहन इलाज हो रहा था, तो कैसे ठीक हुआ? मैंने स्पेशल लेहेंड प्रे करवाया और आयल वाटर। आपके लिए प्रोफेसी हुआ था, आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो। जी जी हाँ, उसी दिन आपने प्रोफेसी भी किया था पापा जी, और मैंने और उसी दिन आपने 31 जुलाई को ही स्पेशल लेहेंड करवाया था। जब मैं यहाँ से गई तो दवा मेरी बंद हो गई, बस एक ही दवा चलने लगी। पहले 7 दवा चलती थी। सारे बोले हालेलुया। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, यहाँ पर अपनी गवाही बता रही है, रिकॉर्ड करके लाई है।
इसके लिए प्रोफेसी किया, यही लेडी है कुर्सी पर खड़ा करके इसको प्रोफेसी किया था। जा आप चेक कर लेना, जो डॉक्टर तेरे को बता रहे हैं फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। कितने कितने दौरे पड़ते थे? हफ्ते में तीन दिन पापा, हफ्ते में तीन तीन दौरे पड़ते थे। बच्चे कहते थे मम्मा मर गई है, इसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रो रही थी, और आपके सामने उस दिन कहा था जा आज के बाद दौरे नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़े, और उस दिन के बाद बोल रही है दौरे नहीं पड़े, नहीं पड़े। जी जा किसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, दौरे पड़ने बंद हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, देखो प्रोफेसी कर कि किसी को बाइक मिला, किसी को घर की आशीष, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया, मैरिज की ब्लेसिंग मिली इनको, इनकी डॉटर को मिट्टी डालने से शॉप मिली, किसी को घर मिला, किसी के बंद पड़े था बिजनेस खुल गया, और भाई साहब इसने बड़ी सारी कामें कामें खुला बिजनेस। यहाँ पर 2021 में आया था सर, 2021 में बिजनेस खुल गया। अब कहाँ से आयो आप? महाराष्ट्र से सर। महाराष्ट्र से आए हैं, बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इसको, ये इधर भी बिजनेस खुला। मैं कह रहा हूँ कॉइन मीटिंग में लोग आए, देखो किसी को गाड़ी मिली, कॉइन मिला, किसी को टेम्पो ले लिया, किसी ने मिट्टी के कॉइन मिला, और किसी ने शॉप खोली है, बहुत सारी किसी को एक्टिवा मिली है, बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिला, बिजनेस की आशीष मिला। कितने का बिजनेस खोला आपने? व्हीकल, कह रहे नई नई गाड़ियाँ, और ये देखो कह रहे कि डेड हो गए थे। हाँ हाँ, कौन डेड हो गया था? कौन बीमार था घर में? हम, मतलब तुम थे, तुम बीमार थे, कोमा में चले गए थे, ऐसा महसूस हो रहा था, डॉक्टर बता रहा था, आपने लिखा है। और चीज़ें बोल रहे हैं कि जब इसने प्रे टावर पर फ़ोन कराया, ये स्क्रीन पर फोटो इसी की है, आप देख सकते हैं, और आज आपके सामने खड़ी है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो लोग अपनी फोटोएं लेके आए हैं, कोई कार ले रहा है, कोई रजिस्ट्रियाँ करा रहा है, ये रजिस्ट्री लेकर आई है, ले हैंड प्रे कराया था इसने, दो बार ले हैंड प्रे कराया, प्रोफेसी भी हुआ था, और कह रहे कि नशे से छूट गए, और भाई ने क्या, ये क्या है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, दिल्ली से आ रहा था, मेरे टैक्स पर और डैमेज हो गया था पूरा। ऑनलाइन मीटिंग अटेंड देख रहे थे, परमेश्वर ने इनको सुरक्षा दे दिया। हालेलुया, गाड़ी टोटल लॉस हो गई, लेकिन बंदे की सारी हड्डियां पूरी हैं, गिन लो शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, स्कूल तो गए नहीं कभी, हैं 206, आज ही पता लगा 206 की 6 सुरक्षित हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानने वालों की एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। हालेलुया, अपने हाथों को उठाऊं, अपने सिर पे हाथ रखूं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे, और इसी समय मेरे प्रभु जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इनके घर में बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें डबल हो कराएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, धर्मेंद्र के साथ गवाही लेंगे, गवाही। हाँ हाँ, ये बहन बता रहे हैं 2 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, और जब यहाँ पर आए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज ये बहन बिल्कुल आजाद हो गई है। मैं जिसको छोलूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं, मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं यूपी से आई हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी आज से 2 साल पहले, मैं एडमिट भी रही थी, और मैं यहाँ आने से पहले भी एडमिट रही हूँ 4 दिन पहले। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे आ पाई थी, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ, चर्च में जैसे ही मैंने पैर रखा, मैंने कुछ भी यूज भी नहीं किया, जब तक पता नहीं मैं एकदम से ठीक हो गई, और उस दिन के बाद मैंने अब तक कोई भी दवा नहीं खाई है, मैं एकदम से चल रही हूँ। जे बीमारों की दुआ गे शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ गे शिफा पाने के लिए, शिफा पाने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जे बीमारों की दुआ है जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए जे बीमारों की दुआ है बीमारों की दुआ के शिफा पाने के लिए बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए लघु तेरे में है कुदरत लघु तेरे में है कुदरत शिफा देने के लिए लघु तेरे में है कुदरत शिफा देने Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. घायल यहाँ सबके गमों के तीरों से दिल है घायल जहाँ सबके गमों के तीरों से दे दे सबको वो नया दिल दे दे सबको वो नया दिल रूहे जिंदगी के लिए दे दे सबको वो नया दिल रूहे जिंदगी के लिए जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए हालेलुया 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 मेरा यीशु है मेरी हली मुश्किल मेरा यीशु है मेरी हली मुश्किल उसकी अजब है हर एक बात हले मुश्किल हले मुश्किल हले मुश्किल हले मुश्किल शाबाश अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएंगे शाबाश बैठ जाएं प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे कितने लोग खुश नहीं है आज हाथ उठा के ताड़ी बजाओ शाबाश पिछले पीछे मेरी आवाज जा रही है ताड़ी बजाओ जोर से हाँ शाबाश बैठ जाएं प्रभु का आत्मा आपको छुएं स्क्रीन पर देखा करो आप और वहीं से आप रिसीव करो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा हाँ हाँ जल्दी से देखें क्या लिखा लय व्यवस्था 27 के 30 में हम पढ़ेंगे कोई जन हमारे बीच में पढ़े लय व्यवस्था 27 का 30 हाँ हाँ फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश हाँ, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल वो यहोवा ही का है वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे सारे बोलो हालेलुया हालेलुया क्या लिखा यहाँ पर यहाँ क्लियर लिखा फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश कितने लोग कैमरामैन फिर कहते हैं मुझे चांटे मारते हैं फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल कह रहे वो यहोवा ही का है बोलो हालेलुया हालेलुया बाइबल बताती है कह रहे कि भूमि के ऊपर धरती के ऊपर आप चाहे यहाँ पर क्या लिखा यहाँ लिखा चाहे वो वृक्ष हो चाहे वो बीज हो
चाहे आप भूमि के ऊपर बिल्डिंग लगाओ, इस धरती के ऊपर चाहे तुम कोठी लगाओ, चाहे इस धरती के ऊपर तुम फैक्ट्री खोलो, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो, आप कुछ भी खोलो, करे वो यहोवा ही का है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इस धरती पर आपका कुछ भी नहीं है। एक दिन संसार में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, चले जाते हैं कि नहीं। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में सुखी नहीं रहते। वो इस कारण क्या है, वो कारण ये है क्योंकि वो परमेश्वर को देने में कमजोर हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कि जो फिर भूमि की उपज का सारा दशवान, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इसका मतलब बहुत सारे लोगों के नुकसान होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में आशीषें डबल नहीं होती। अगर मेरी बात किसी को झूठी लगती है तो आप एक महीना दशमांश ना देकर देखो, कैलेंडर पर निशान लगाओ कि इस महीने में मैंने टाइट दिया था, और कितनी बार आपके बच्चे ने आपसे चॉकलेट मांगी है। आपका बच्चा रोज आपसे चॉकलेट मांगता है, मम्मी चॉकलेट खिलाना। जो दशमांश देते हैं उनके बच्चे दिन में एक चॉकलेट खा के भी संतुष्ट है, लेकिन जो दशमांश नहीं देते उनके बच्चों को शैतान तंग करता रहता है, मम्मी से चॉकलेट लेना, आज ये वाले पैसे भी लेना। कितने औरतों के बच्चे जिद्दी हैं और छोटी छोटी बात में खर्चा कराते रहते हैं, और माँ बोलती है पता है दे देना, अपने आदमी को बोलती है हरियाणा को तो पता है मेरे को, करे दे देना काट देना पैसे, जमी जड़ा जा रहा है मरा जा रहा है, दे देना इससे, ऐसे बोलती है हरियाणा में, बोलते दे देना इससे दे दे इसको, कह रही कि कहाँ ले जाएगा पैसे, कह रहे बच्चा ही तो है, अपना ही तो, अपना ही बच्चा खा रहा है ना, पराया थोड़ी खा रहा है, ये नहीं पता पीछे शैतान उसको यूज कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा आपकी पूंजी व्यर्थ जा कामों में जा रही है। आपकी पत्नी ज्यादा खर्चा करेगी, सूट ले आएगी 20, दुकान में 20 के 20 पसंद थे लेकिन उसने लाइट लगा रखी थी, बाहर आए हो ये तो बहुत कलर जचता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बेफिजूल की खर्ची होती है, लेकिन लिखा चाहे अगर आप अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा कि जो दशमांश नहीं देता पांच गुना शैतान उनसे ले लेता है। आगे 31 में पढ़ते तो लिखो क्या पढ़ा, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, कुछ छुड़ाना चाहे मतलब ना देना चाहे, जिसके मन में चल रहा हो, हाँ हाँ, तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, तो पांचवा भाग उसको बढ़ाकर छुड़ाए। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर आप धरती पर कोई भी फैक्ट्री लगाओ, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो, लड्डू की दुकान खोलो, चाउमीन की दुकान खोलो, चाहे नूडल्स बेचो, लक्ष्मण की जनानी सामने बैठी तुम मेरे, कुछ भी करो, समझ रहे कि नहीं। आपको विश्वास करना है, कह रहे कि आप कैसे भी कुछ भी चूड़ियों की दुकान खोलो, चाहे पाउडर की दुकान खोलो, आटा चक्की खोलो, लेकिन जो उसकी कमाई बनती है उसका दसवां हिस्सा प्रभु को जो देता है, कह रहा उसके घर में आशीषें डबल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। वो नुकसान से बचे रहते हैं, वो शांति के दिन देखते हैं, क्योंकि जमीन कह रहा किसी की नहीं है, जमीन किसी की नहीं है, आपके दादे परदादों की नहीं है, ये धरती परमेश्वर की है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है जो लोग दशमांश देते हैं, क्योंकि शैतान दिन रात आप स्वर्ग के गेट पर खड़ा हुआ परमेश्वर के सामने दोष लगाता है, ये जितने चर्च में आते हैं, जितने मसीह का नाटक कर रहे हैं, ये सब लालची हैं। कितनों को पता है ये बात कि शैतान हमेशा दोष लगाता है लोगों पर स्वर्ग के गेट पर खड़ा होकर, कि ये लालची लोग हैं, ये लालच करते हैं, और हम बोलते हैं हमने कभी लालच नहीं किया। इफिसियों 5:5 में लिखा लालच करना कह रहा है कि मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब अगर आप लालच करते हैं तो आज भी आप वही लोग हैं जो पहले आप थे, इसलिए वो समस्या खत्म नहीं होती है। आप प्रभु को देने वाले बनो। मैं फिर कह रहा हूँ कि दशमांश देने वाला व्यक्ति, बाइबल में लिखा मलाकी के 3:11 में कह रहा मैं नाश करने वाले को तुम्हारे घर से घुड़क दूंगा, मैं नाश करने वाले को कह रहा तुम्हारे फल को, तुम्हारे बच्चों को कह रहा तुम्हारे बिजनेस को कच्चा नहीं गिरने दूंगा, कह रहा नाश करने वाले को घुड़कूंगा, कह रहा तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, और कह रहा कि तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपको, हालेलुया। कह रहा ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला अभी,
जिनको बता, बहुत सारे लोग हीलिंग इसलिए नहीं मिलती, उनका काम इसलिए नहीं बनता, क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 23 के 23 में लिखा करा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। देखा ना आपने, जब ज्यादा पैसा आता है तो 500 रुपए का दशमांश 50 रुपए पादरी भाग भाग कर देंगे गाड़ी के पीछे, हेलो पादरी ले जाना। लेकिन जब 5 करोड़ की गवाही आई और उसका दशमांश बना 50 लाख, हाथ यहां फंस जाता है, कह रहा मच्छर को छान डालते ऊंट को निकल जाते हैं, निकल नहीं रहा। हालेलुया, निकलता ही नहीं भाई, क्या करें। कह रहा बढ़ाया खा लिया, थोड़ाया दे दिया। इसलिए परमेश्वर को मालूम है कौन मसीह कैसा है, किसके घर 5 करोड़ की ब्लेसिंग देनी है, किसके घर 5 लाख की देनी है। आप अपने मनों के कारण परखे जाते हैं। इसका मतलब अगर आप समर्पित हैं परमेश्वर के लिए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ नहीं, मेरा परमेश्वर 50 अरब भी देने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन आपने किया क्या जिंदगी में, किस लिए ले रहे हो परमेश्वर से, किस लिए ले रहे हो, कि परमेश्वर के कामों के लिए। कुछ लोग बोलते हैं उनके अंदर शैतान डालता रहता, नहीं नहीं पता आपको, आप देंगे पादरी बड़ी गाड़ी ले देगा। अरे भंडारी को जवाब देना पड़ता है, बैंक मैनेजर अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देता कभी भी। मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर अपने घर पैसा लेके नहीं जाता, कह रहा है कि सुबह सबको बांट देता है। हालेलुया, ले जा भाई, साउंड वाले वो देखो कितने बक्से लगा रखे उन्होंने, वो LCD वाले कितने ले जाओ भाई, लाइट वाले। और शनिवार इतवार सोमवार लोगों का मन करता है तो किसी को कह थोड़ी सकते हैं चल बे निकल यहाँ से, रोटी खा। मैंने कहा तू आराम से रह यहाँ पर, 1 हफ्ता रहे 2 हफ्ता रहे, लंगर चलता है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है। अगर आप बोने वाले हैं तो पवित्र आत्मा करा इंतजार नहीं करेगा आपके लिए। लिखा तुम्हारा एक भी काम कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारे बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा फल कच्चा नहीं गिरेगा। करे कि आज से करे कि सब के सब आशीष को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। सुनो, बताया था आपको प्रभु ने, मुझे पहले बता दिया था 2000 के नोट बंद होने वाले। मेरी माँ 2020 से मुझे बोल रही है, ए बेटे 2000 के साइड में कर दियो, मुझे लग रहा है मोदी बंद करने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर बातें करता है, किसी से भी कर सकता है वो। मेरी माँ भविष्यता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन उसने जिस दिन से मसीह में बपतिस्मा लिया उस दिन से वो दर्शन देखने लगी। आप जिस दिन से प्रभु में आए हो उस दिन से प्रभु आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नहीं इधर उधर से घुमा के आपको इशारा करता है, समझ रहे हैं। जिस दिन मैंने यहाँ कॉइन मीटिंग किया उस दिन यहाँ पर इंडिया में एक सिक्का लॉन्च हुआ, सुन रहे हो कि नहीं। मैंने क्या कहा 2024-2025 करा बहुत सारे लोगों का, समझ जाना जो मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूँ, बहुत सारे लोगों का रखा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा, व्यर्थ रेड़ की डब्बी पे कूड़े पे करकट पे होगा, हमारा यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नई नई स्कीम आएंगी 2024-25 में। अब क्या मौसम ही ऐसा आ रहा है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है ये पहले से लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि लोगों का रखा हुआ पैसा खराब हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य बोल रहा है, एक बोल रहा है कह रहा है कि इस बात को समझना है अपने अंदर, कह रहा है कि अब ऐसे दिन आएंगे धन काम नहीं आएगा, ऐसे दिन आएंगे कह रहा है कि ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी समस्याएं आएंगी, लोगों को पता नहीं लगेंगी, देश के देश कर्जे में होते चले जाएंगे, प्रॉब्लम में होते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास रखना है जो प्रभु में है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में आज रात एक नया पार्सल गवाही का भेजने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको तैयार रहना है, बोलो हालेलुया। क्या लिखा फिर से पढ़, भूमि का सारा दशमांश, किसका दशमांश, किसका, भूमि का, कौन कौन देगा भूमि का दशमांश। कुछ लोग हाथ उठा के बता कह रहे हैं पादरी बजिंदर गलत बोल रहा है। मैंने क्या कहा, आपके बीच में भी ये लड़की येलो टी शर्ट, हाँ सुनो, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, वहीं पे कुर्सी पे खड़े हो जाओ, माइक लेके जाओ तोड़ के। मैं क्या कह रहा हूँ, भूमि का दशमांश जो चढ़ा रहा है उसके घर गुड न्यूज आ रही है। आप जो काम करते हैं परमेश्वर को दो, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर को देता है परमेश्वर उसको 100 गुना वापिस करता है, वो उधार नहीं देता किसी का। बेटे बात सुन, माइक लेके चल दौड़ के, नाटक ना कर, हाँ हाँ बेटे सुनो, बेटे मेरी बात सुन पहले ध्यान से, अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार, भूमि, भूमि कौन है,
क्या नाम है तुम्हारा? भूमि। बोलो हालेलुया। आप देख रहे हो मैं कहां से कहां गया और कहां से कहां जाकर इस लड़की को उठाया के कहां ऐसे ढूंढना पड़ जाता है कई बार तो अपनी माँ को ही कहां बैठी मेले में हैं, अपने बच्चों को भी ऐसे ढूंढना पड़ जाता है कई बार। लेकिन यहां पर एंजल आपका पता दे रहे हैं, मुझे एड्रेस दे रहे हैं, समझ रहे हो? भूमि मोहाली में। ये जितने लिपस्टिक पाउडर लेडीज होती हैं क्या बोलते हैं उसको, मेकअप हैं, ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में कहीं जॉब करते हो? हाँ जी। क्या करते हो? जॉब करती हूँ, सीखती हूँ। सीखती है? अपनी दुकान खोलने वाली यीशु मसीह के नाम में। उठी चढ़ाई, उठी चढ़ाई। सुनो सारे बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी लेडीज हैं ये सब तेरी दुकान पे आए करेंगी, क्योंकि वो दुकान में बिल्कुल बाहर खुलवाऊंगा। आमीन। पार्टनरशिप करेगी? आमीन। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। ऐसे किसको बोलते हैं? ऐसे सामरथ, पता नहीं क्या क्या पीछे नथ रथ, ऐसे कुछ रथ है नाम के पीछे। भागीरथ। हाँ रथ। भागीरथ। हाँ कहाँ भाग गया? पापा ऊपर। आप सुन समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आप समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैंने इस लड़की को, तूने तो नहीं बताया मेरे को? नहीं। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं, नहीं। कहीं बर्गर की दुकान में मिले? नहीं। भागीरथ, मैंने क्या कहा? रथ। मुझे कुछ रथ दिख रहे थे आपके घर में और ले गए उसको। डोंट वेरी। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा डैडी गया है उस दिन से एक ब्लैक मैजिक तुम्हारा पीछा कर रहा है। और इसी समय उस दिन से डाबरमैन। हाँ ठीक है सुनो, तो अब मैंने अपने चेलों के कोड वर्ड रख दिए हैं, आपको सुनना है। कह रहे जिस दिन से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ अब वो ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है। दुष्टात्माएं आपका डैडी आपके ड्रीम में आते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, सही बात है कि नहीं? और आप अंदर से बहुत बार सुसाइड करने की तैयारी कर चुके हो। दो जन ने आपको धोखा दे दिया, एक रिश्तेदार था एक लड़का था। हाँ जी। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? शादी हो गया तेरा? जी। बच्चे कितने हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। मैं क्या कह रहा हूँ, दो बार धोखा मिला है। हाँ जी। सुन रहे हो? परमेश्वर अब इसी समय वो धोखा दिलाने वाली आत्मा को बाहर निकाल रहे तेरे अंदर से। चल निकल जा। चल 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 चल, तू छोड़ दे सहारनपुर के, अपनी संभाल ले। छट खड़ी हो जा। शाबाश। तेरे वाली कहाँ है? वो भी तो ऐसे वो झूठे लेती है, अपने वाली के पास बैठना। सुन हाथों को उठाऊ। शाबाश। सुन भूमि, आज से दशवांश देना है। जितने झूठे दे रहा शैतान खत्म हो जाएंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊ। बिजनेस खोलने के लिए जा रहा है तेरा। बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं। अगला महीना उद्घाटन का होगा, सेलिब्रेशन का होगा। बोला हालेलुया। आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि अगले महीने में कोई नया काम उद्घाटन करूं मैं, वो अपने हाथ में बीज पकड़ सकते हैं। मुझे पता है आपने डाल दिया होगा। अगर आप कोई बेस्ट बीज पकड़ सकते हैं, मैंने क्या कहा था पिछली बार कि कोई बड़ा नोट आज निकालो, क्यों? क्योंकि अगले दिन खत्म होने वाला था। प्रभु ने मेरे को बोला था, मैंने कभी नहीं बोला इसे। अब आपको विश्वास करना है कि जो लोग बीज अपना भेंट, कोई एक बेस्ट भेंट आपको एक नए सेलिब्रेशन के लिए निकालना है, आपको बोलना है प्रभु कोई दुकान खोलना चाहता है, सिर्फ मैं उससे बात कर रहा हूँ, जो दुकान खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है या किसी का बिजनेस बंद पड़ा, एक भेंट पकड़ो और मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाओ। अब अलबा शबल अबाबा शबल अबाबा शबल अबा। पवित्र आत्मा जी मैं समय परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो सच में कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने हाथ में भेंट पकड़े हुए और इसी समय कि तूने कहा कि सच में परमेश्वर के घर छूत से हाथ नहीं आना, मेरे प्रभु जब मैं इनके लिए प्रोफेसी करूं, पवित्र आत्मा अयूब की तरह जो अयूब भेंट पकड़ता था, पिता परमेश्वर इसी समय ये प्रॉपर्टी, ये सच में पवित्र आत्मा जी जितना भी है मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके घर में जिन्होंने हाथ में बीज पकड़ा है, आज से पवित्र आत्मा तेरे दास के कहने से विश्वास करने से इनके घर में प्रॉपर्टी इनकी सच में पवित्र आत्मा जी
30 गुना और 60 गुना और परमेश्वर डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा बोलता है, करा तुम वैल्यू लगाओगे और 2 महीने के बाद तुम्हारी जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे काम बढ़ेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अगला महीना तुम्हारा सेलिब्रेशन का होगा यीशु मसीह के नाम में, तुम उद्घाटन करने के लिए बुलाओगे, पवित्र आत्मा आशीष को खोल रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान में उद्घाटन करने एंजल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे प्रभु जिसने बोया उसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं आज अपने पूरे चर्च के लिए, इन लोगों के लिए जो नहीं बो सकते ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मेरे प्रभु जिन्होंने अकाउंट में बोया और जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए बो रहा हूँ, उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ हाँ, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो, जोर से ताड़ी बजाएंगे। जो लोग अपने आप किसी को नहीं बुलाएं, कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको बीज डाल कर जाना है पेटी में, गुप्त दान डाल कर जाना है, आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके घर में आशीष दें। आज ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पवित्र आत्मा 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आशीष इनका इंतजार करें। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है, हाथ उठा के बताएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? आप कोई बड़ा काम नहीं करते। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह है, लेकिन वो अपने फेथ को बाहर नहीं निकालता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा रात आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा जिन्होंने मेरी बातों को मानते हैं, जो लोग जैसा मैं कहता हूँ वो करते हैं, आप आदर करते हैं परमेश्वर के दास का, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो, ए चूहे को बाहर निकाल। बोलो हालेलुया। किसको बाहर निकालना है? फेथ को बाहर निकालना है, लेकिन कुछ लोगों ने अंदर चूहा भी घुसा रखा है अपने, डरे रहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं डरे रहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस में घाटा हो जाता है भाई साहब डरे रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, 7 दिन प्रभु बोझ लो, 8वां दिन आपका आशीष का होगा यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगी। बोलो हालेलुया। फेथ को बाहर निकालना, अपने पड़ोसी को बोलो, फेथ को बाहर का निकाल, फेथ को चौड़ा करना है। कितने लोग आज फेथ को चौड़ा करेंगे? अपने फेथ को चौड़ा करना है। सारे बोलो हालेलुया। फ्रेंड को नहीं कह रहा हूं, फेथ को चौड़ा करना है। फेथ का मतलब विश्वास को चौड़ा करना है। अगर आज आप अपने विश्वास को छोड़ा करें, एंजल आज आपके लिए कुछ करके जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी लाइफ में टेंशन पर टेंशन बढ़ रही हो सकता है आप किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हो सकता है कि आप जो मांग रहे हो अब तक ना मिला हो और आप तंग आ गए हो। रोज अपने घर में जब जाते हैं आप एक नया क्लेश देखते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जन यहाँ पर बैठा हो और बार बार अपने उस क्लेश से तंग आ गया हो घर के, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन्हें जाकर कह दे कि जो अपने फेथ को चौड़ा करेगा आज, करा उन्हें बता दे आज कि परमेश्वर उनके कामों में चौड़ा करने वाला है, उनकी गवाहियां बनाने वाला है। आपके घर में आज से तुम घर जाओगे, तुम बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हम स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। हालेलुया। किसको बाहर निकालो? फेथ को, अपने विश्वास को। जब तक आप बाहर नहीं निकालते, मैंने कहा कि अपने आप बोना अभी नहीं, जब आप प्रचार खत्म होने के बाद आप इस दान पेटी में डाल सकते हैं। अभी नहीं उठना, अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। हाँ, बाइबल बताती कि यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर बहुत टेंशन में था। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। यूसुफ ने अपनी लाइफ में बचपन में दुख उठाता रहा, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता रहा। वो हमेशा लगातार परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन वो अपने फेथ को कभी कम नहीं करता था। उसके अंदर परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया, और ड्रीम में क्या दिखाया कि 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और उसका जो पूल है वो सीधा खड़ा है, और जो उसके पूले भाइयों के जो पूले हैं वो नीचे गिर गए। और उसने अपने बाप से इस प्रोफेसी के, इस दर्शन के बारे में सुना और पूछा, तो उसी समय उसके बाप ने उसको बताया, कह रहा कि बेटे इसका मतलब कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। हालेलुया। और जिस बात को सुनने के बाद कह रहा कि वो विश्वास से भर गया, और उसने फेथ को चौड़ा कर लिया अपने अंदर उस ड्रीम को देखने के बाद। मैं कह रहा हूं आज एक प्रोफेटिक
वर्ड्स मेरे आपको एक दिशा दिखाने वाले हैं। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। आपके अंदर एक टारगेट जब तक नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक टारगेट को लेकर चलें। यूसुफ एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में चला, यूसुफ एक ड्रीम को लेकर चला कि जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था उसने उस पर विश्वास कर लिया था। आपको बहुत सारे ड्रीम परमेश्वर दिखाता है, अच्छे ड्रीम की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी विश्वास नहीं करते। आपका पास्टर आपके लिए बहुत भविष्यवाणियां करता है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए वीरवार संडे बोलता हूं, लेकिन बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ टेम्पटेशन में था, डिप्रेशन में था, टेंशन में था। उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया, उसके भाइयों ने चाल चला और उसको बोला हम भेड़ बकरियां चगाने के लिए जाएंगे, और उसी समय जब भेड़ बकरियां चगा रहे थे वहां से गायब हो गए। और उसके बाद उसका भाई उनको ढूंढता फिरा और थोड़े देर के बाद वो मिल जाते हैं और उसी समय वो प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि ये हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है, इसको यहोवा ने दर्शन दिया है। कह रहा है कि अब हम इस अपने भाई को करे कुएं में डालकर मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे से ज्यादा अमीर नहीं होगा। जैसे जठानी और दरानी, कभी ऊपर से जठानी दरानी है लेकिन अंदर से जलती फुकती बुनती हैं। उनको पता है, कह रहे कि मेरी जठानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए, मेरी दरानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूसुफ को उन लोगों ने कुएं में डाल दिया, उस खड्डे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था, और उसी समय वो बहुत गहराई के नीचे था। लेकिन उस समय 2 घंटे तक यूसुफ आहें भरता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन एक भी जन उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे भाइयों ने मार दिया है, मुझे कुएं में डाल दिया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, मुझे कोई निकालो, मौत गले पर लटक रही है, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन मुझे बाहर निकालो किसी तरीके से। लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन यूसुफ उस समय भी कह रहा है खड्डे में बैठकर भी, वो डिप्रेशन में भी, टेंशन में भी, अपनी समस्याओं के दिनों में भी, उस गुफा में भी, उस कुएं में भी, लेकिन अपने ड्रीम को याद कर रहा था, अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुए था, फेथ को चौड़ा किए हुए था। कह रहा है कि चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, तो एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होगा। हालेलुया। उसने अपने फेथ को कभी घटने नहीं दिया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा मसीह में आते हैं नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं नाटक करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं नाटक करते हैं, प्रार्थना करते हैं नाटक करते हैं। कुछ लोग सिर्फ कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग के लिए आए हैं, सिर्फ काम बने